अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ है उसी अल्लाह के लिए जो बोलने वाले के कलाम को और खामोश रहने वाले के दिलों को सुनता है। इन कलाम आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, इन कलाम आएगा रफ्तार से मायूस ना हो, बहुत आहिस्ता नहीं जो बहुत तेज नहीं। सदर अली वकार, मेरा नाम नबीला हबीब है और मैं ग्यारहवीं जमात की तालिबे इल्मा हूँ। आज मुझे जिस उनवान पर लब खुशाई का मौका दिया गया है वो उनवान है, कोई गम नहीं जो तू गिर गया तेरा फिर से उठना कमाल है। सदर अली वकार, नाकामी का मुंह उन औकात से देखा जाता है जब इंसान अपनी कामयाबी के हुसूल के लिए अल्लाह पाक के उसूल को तोड़ देता है। सदर अली वकार, कुछ आजमाइशें कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जिनके खत्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि वो जहमत नहीं रहमत थी। कश्ती भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला, गिर के रोने वाले लाखों आए, गिर के उठने वाला तू बन जा। ना कर मन में दोस्त के पास गिर गया तो ये मन खुद से ही पर उठे रखेगा। आज हद से है जो लोग तुझ पर गलत साबित होंगे तू करेगा। मंजिल के पास ना हो गए, मंजिल को अपने पास तू लाएगा। लेकिन उस वक्त करीम का नाम जिसने तुझे बनाया, इस दुनिया को बनाया और कहीं ना कहीं तेरी कामयाबी को बनाया, हो जाओ मस्त मनन, क्योंकि फूल यूं ही नहीं खिलते फिर भी फूल जाए तो पत्ते नहीं है। हम आंखियों से कह दो अपनी औकात में रहे। सदर अली वकार, हिम्मत मेहनत इस्तकलाल और बुर्दबारी के जरिए ही तमाम बड़े बड़े सियासतदान कलमकार और डॉक्टर इस मकाम खास तक पहुंचे हैं जहां हमने आज खड़ा हुआ पाते हैं। सदर अली वकार, तमाम अफराद जो कामयाबी के जीने तक पहुंचे वो अपनी मुश्किल का मुकाबला साबित करने से करते हैं और अपनी तरफ गामजिन रहते हैं और मंजिल उनकी तरफ गामजिन रहती है और यही वजह है कि वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। समझा ले खुद को, ना तू हार के लिए है ना हार तेरे लिए है, क्योंकि फूल यूं ही नहीं खिलते पहले बीज को दफन होना पड़े।